भरतपुर, जहां पर 24 घंटे के लिए नेटबंदी कर दी गई है। नेटबंदी की अवधि को बढ़ा दिया गया। आपको बता दें, नूह में हुई घटना के बाद में यहां पर नेटबंदी कर दी गई थी और अब मेवात इलाके में 24 घंटे के लिए फिर से नेट को बंद कर दिया गया है। कल सुबह 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। कामापहाड़ी नगर सिकरी क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी करके नेट बंदी के आदेश दिए हैं, लेकिन वाईफाई कि जो सेवा है वो सुचारू चलेगी और जहां लैंडलाइन है वो भी सुचारू चलेंगे। कल सुबह 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। कामापहाड़ी नगर सिकरी क्षेत्र में इंटरनेट बंद रहेगा। आपको बता दें, नूह में हुई घटना के बाद में यहां पर भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, किसी प्रकार की हिंसा ना हो, एहतियातन नेट बंद कर दिया गया था, लेकिन अब 24 घंटे के लिए मेवात में इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, नूह की घटना का असर गुरुग्राम तक पहुँच गया है और भरतपुर में किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए 24 घंटे के लिए नेट बंदी को बढ़ा दिया गया है। कल सुबह 6 बजे तक नेट को बंद रखा जाएगा, इंटरनेट की सेवाओं को बंद रखा जाएगा। किसी प्रकार की अफवाह को या विवादित बयान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी कर दिया और नेट बंदी के आदेश दिए हैं। जहाँ पर लैंडलाइन और वाईफाई सुचारू रहेंगे, लेकिन इंटरनेट जो है, जो डेटा रोमिंग है, डेटा पैक है, उसे बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको भरतपुर के मेवात से, जहां पर नेट बंदी की अवधि को बढ़ा दिया गया है। कल सुबह 6 बजे तक नेट को बंद रखा जाएगा। नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, नूह की हिंसा का असर गुरुग्राम तक पहुंच गया और भरतपुर को, चूंकि वो सटा हुआ क्षेत्र है, सटे हुए क्षेत्रों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, हिंसा ना भड़के, इसको लेकर के नेट को बंद कर दिया गया है। संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं, लेकिन ब्रॉडबैंड सेवाएं और लैंडलाइन सेवाएं जो हैं वो सुचारू रहेंगी, बाकी इंटरनेट 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। सुबह 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। कामा पहाड़ी नगर सिकरी क्षेत्र में इंटरनेट बंद रहेगा। संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर भरतपुर से इस वक्त की, जहां पर किसी प्रकार की हिंसा की घटना को रोकने के लिए नेट को बंद कर दिया गया है। 24 घंटे तक के लिए नेट बंद की अवधि बढ़ा दी गई है। सुबह 6 बजे तक अब नेट बंद रहेगा। संभागीय आयुक्त ने इस बात के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, नूह में हुई सांप्रदायिक घटना के बाद में जहां विश्व हिंदू परिषद के द्वारा निकाले जा रहे जुलूस में पथराव किया गया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई और नूह के साथ साथ इस हिंसा की आग गुरुग्राम तक पहुँच गई है। भरतपुर के जो क्षेत्र हैं, जो वहाँ सीमा से सटे हुए हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, हिंसा ना भड़के, दंगे ना हो, इन्हें लेकर के एहतियातन नेट बंद कर दिया गया और अब इसकी अवधि जो है बढ़ा दी गई है। चूंकि हिंसा की आग गुरुग्राम पहुंच चुकी है, जहां पर कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, बाजारों में आगजनी की घटनाएं हुई, इसके बाद में अब भरतपुर में सुरक्षा व्यवस्था को माकूल रखने के लिए, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए कल सुबह 6 बजे तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। कामा पहाड़ी नगर सिकरी क्षेत्र में इंटरनेट बंद रहेगा।